जब से मैं चेन्नई से हारा तो मुझे बिल्कुल चैन नहीं है। मेरा दर्द लिखने के लिए मेरे पास पेन नहीं है। बबू अरे मेरे पास पेंसिल है, चलेगा क्या? मत बोल इतना पेंसिल, वरना पोपटलाल की शादी हो जाएगी कैंसिल। नहीं भाई, मैंने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। क्या बात करता है, आशा कब मिली तुझे? अभी शादी के लिए लड़की मिल गई, बताया ने? सपने मत दिखाओ चिकू भैया, सपने मत दिखाओ। हम जिस आशा की बात कर रहे हैं वो हमें निराशा में मिली है। बबू अरे कल की हार हमारे गले में शादी का हार पहना गई। क्यों जलाते हो भाई शादी की बात करके, क्यों जलाते हो मेरे को? मैंने आपका पिछले जन्म में बटवा मारा था क्या? आप ऐसी बात करते हो तो मुझे लगता है मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा। तू फिक्र मत कर, अब तेरे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ये मत भूल कि बुरे दिन का भी बुरा समय आता है। बबू अरे इसका मतलब पोपटलाल की शादी होगी तो उसके दिन बुरे आएंगे? नहीं, मेरे कहने का मकबल यह नहीं था। गायकवाड़ से बड़ी मार पड़ी कल, इसलिए हमें हार देखनी पड़ी कल। हाँ बस सीएसके टीम से बच के रहना पड़ेगा, किसी को भी प्लेऑफ से बाहर निकाल सकती है। हमारे दुश्मन समझते थे कि हम कभी नहीं जीतेंगे, वही गुमनामी का समुंदर है उसमें ही जाके डूब जाएंगे, लेकिन ये सीएसके है इससे आपको बच के रहना पड़ेगा। हाँ भाई, ऋतुराज भी कल नटराज की तरह खेला, उसने भी मौके पे चौका मार दिया। वहाँ केदार जाधव तो मायके पे भी जाके चौका नहीं मार पा रहा, और यहाँ ऋतुराज मौके पे चौका मार रहे हैं। हाँ भाई, अब मेरे भतीजे भी मेरे नतीजे नहीं पूछेंगे। तेरे भतीजे भी तुझसे नतीजे पूछते हैं क्या? अजीब बात है। हाँ भाई, वो पूछते हैं कि प्लेऑफ तक पहुँचे क्या, तो पता नहीं उनको क्या जवाब दूँ। जवाब तो हम अगले साल देंगे भाई, और ऐसा जवाब देंगे कि कोई सवाल नहीं पूछेगा। रोहित भैया मुझे माफ कर दो, कल मैं आपको जिता नहीं पाया। कोई बात नहीं मुन्ना, मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि नाराज तो महाराज होते हैं। फिर भी आप टेंशन मत लो, एक बार मुझे उड़न खटोला में बैठने दो, फिर आपको सबको बिठा कर उसमें मैं प्लेऑफ तक लेके जाऊंगा। प्लेऑफ में तो वैसे भी हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन डीसी वालों का पक्का नहीं है, वो कभी भी प्लेऑफ से बाहर जा सकते हैं मुन्ना। तू तो कल सही खेल गया बेन स्टॉक, मानना पड़ेगा तुझ में है दम, तू ही है बाजीराव सिंघम। लेकिन अब क्या करूँ जीत के बेन स्टॉक? कुछ मत कर, बस अगले साल मेरे टीम से खेल ले, फायदे में रहेगा बेन स्टॉक। हाँ मैं समझ गया समझ गया, आप मेरे नाम का इस्तेमाल करोगे है ना? ये कोई वॉशिंग पाउडर निर्मा है क्या जो इस्तेमाल करूँ बाद में विश्वास करूँ? मैं तो बस तुझे टीम में चाहता हूँ, तू अच्छा प्लेयर है और तू सही खेल लेता है बेन स्टॉक। लेकिन जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं कैसे समझूंगा कि आप गाली दे रहे हो या मुझे बुला रहे हो?